हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ किस तरह से सर्कल पर अल्टरनेट अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो। इन हाउ मेनी वेज फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स मे बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। ठीक है, एक सर्कुलर टेबल है, उस पर लड़के और लड़कियों को ऐसा अरेंज करना है कि लड़का लड़की अल्टरनेट हो जाए। ठीक है, जैसे बॉय गर्ल, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, देखो फोर बॉयज़ एंड फोर गर्ल्स हो गए, इस तरह से अरेंज करना है आपको। फोर बॉयज़ फोर गर्ल्स, इनको एक सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है, अल्टरनेट प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो लड़का लड़की दोनों अल्टरनेट हो, कोई भी दो लड़के साथ में ना हो और कोई दो लड़कियां भी साथ में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करोगे, सोचो, दिमाग लगाओ, बोलो कैसे सॉल्व करोगे, क्या सोचोगे अल्टरनेट अरेंजमेंट के लिए। देखो सबसे पहले करना क्या है, आप फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स में आप किसी एक को चूज कर लो। हमने जैसे बॉयज को चूज किया, पहले लड़कों को बैठा दिया, B1, B2, B3 और ये B4। ठीक है, हमने इन लड़कों को पहले बैठा दिया एक सर्कुलर टेबल पर। ठीक है, तो सर्कुलर टेबल पर हमने पहले इन चार लड़कों को बैठाया। इन चार लड़कों को बैठाने का तरीका कितना होगा बच्चों, इन चार लड़कों को बैठाने का तरीका 4-1 factorial होगा। ये -1 क्यों कर रहे हो, -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्कल की बात हो रही है ना, तो जब सर्कल पे हम अरेंज करते हैं, सर्कुलर टेबल पर अरेंज करते हैं, तो एक माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अगर n चीज़ों को अरेंज करना हो सर्कल के ऊपर तो n-1 factorial फार्मूला लगता है। ठीक है, n-1 factorial। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे 10 लोग हैं और 10 लोगों को हमें राउंड टेबल पर बैठाना है तो हमारा आंसर 9 factorial आएगा। क्यों 9 factorial आएगा, क्योंकि n-1 factorial का फार्मूला होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तरीकों की संख्या कुछ कम पड़ जाती है, फिलहाल जितने हैं उतना -1 factorial। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले लड़कों को हमने बुलाया और बैठा दिया, उसके बाद हमने 4 chairs लगाई, 1, 2, 3, 4 हमने 4 chairs लगाई और लड़कियों को कहा कि आओ तुम लोग भी बैठ जाओ। अब लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां 4 हैं, G1, G2, G3 और G4। ठीक है, हमने पहली वाली लड़की से बोला, समझ में आ रहा ना, पहले 4 लड़कों को बैठाया 4-1 factorial, फिर हमने 4 chairs लगा दिया और फिर हमने पहली वाली लड़की से बोला कि आओ भाई आके बैठ जाओ। ठीक है, तो G1 से कहा कि आओ आके बैठ जाओ, उसके पास कितने ऑप्शन हैं, तो G1 के पास बैठने के 4 ऑप्शन हैं। क्यों 4 ऑप्शन हैं, क्यों, क्योंकि हमने 4 chairs लगा रखी थी, 4 boys थे तो हमारे पास 4 chairs ही लगेंगे, इसलिए पहली वाली लड़की के पास 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, फिर हमने कहा बेटा G2 तुम भी आकर के बैठ जाओ, तो G2 के पास, दूसरी वाली लड़की के पास कितना ऑप्शन है बैठने के लिए, दूसरी वाली लड़की के पास 3 ऑप्शन होंगे। क्यों 3 ऑप्शन होंगे, सोचो, क्योंकि 4 chairs में से कोई एक चेयर पर तो जाकर के ये पहली वाली लड़की बैठ चुकी होगी, जब पहली लड़की बैठ जाए तो दूसरी वाली लड़की के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन होंगे। ठीक है, और फिर जब 2 लड़कियां बैठ गई हैं तो तीसरी वाली लड़की के लिए 2 ऑप्शन होंगे, और जब 3 लड़कियां बैठ गई तो चौथी वाली लड़की के लिए इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे, सिर्फ 1 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो क्या करना था इसमें, पहले 4 लड़कों को बैठाया, 4 लड़कों को बैठाने का तरीका 4-1 factorial। ठीक है, और फिर उसके बाद सबके बीच में एक एक चेयर रिज्यूम कर लिया और फिर पहली वाली लड़की को बुलाया, उसके पास 4 ऑप्शन थे, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 2 और चौथे के पास सिर्फ 1 ऑप्शन था। कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो 3 factorial into 4 factorial आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, तो सर्कल में अरेंज करने का तरीका थोड़ा सा रो परमुटेशन से अलग होता है। सर्कल में पहले वाले जो पहला वाला जो टर्म होता है ना, उसमें एक माइनस वन हो जाता है, क्योंकि पहली बार आप सर्कुलर का रूल लगाते हो, उसके बाद सारे रो वाले रूल लगने लगते हैं। ठीक है, पहली बार सर्कल का रूल, उसके बाद सारे रो वाले रूल्स लगने लगते हैं। ठीक है, जो रूल ऑफ काउंटिंग है ना, जो तुमने पढ़ा हुआ है, तो पहला वाला जो टर्म लिखते हो वो सर्कल वाला होता है, सर्कुलर वाला होता है, उसके बाद आप अपना काउंट करके जितने ऑप्शन मिल रहे हैं और वही लिखते चले जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं और उनको एक राउंड टेबल पे अल्टरनेट अरेंज करना है, तो कैसे निकालोगे, तो 10-1 factorial into 10 factorial। समझ में आ रही बात, क्यों हो रहा है ऐसा, 9 factorial into 10 factorial का आंसर हो जाएगा। अगर 10 boys और 10 girls हैं
टेन बॉयज टेन गर्ल्स में हमारा जो है ये आंसर होगा, पहले लड़के को लड़कों को बैठा लिया 10-1 factorial, और फिर लड़कियों को एक एक करके बुला देंगे, बुला के बैठा देंगे। तुम ये भी कर सकते हो, पहले लड़कियों को बैठा लो तो 10-1 factorial, और फिर 10 chairs बना करके लड़कों को एक एक करके बुलाओ तो भी वही आंसर आएगा। तो तुम्हें जैसे करना हो, जैसे समझना हो, वैसे समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो इस तरीके से हम लोग सर्कुलर में अल्टरनेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे, बाय बाय।